हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर हमारा सेट चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको एक बार और बताया तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। देखिए, सेट का इंट्रोडक्शन हो चुका है और जो आपके टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया है। एंड एक टॉपिक और है सबसेट, वो भी आप सभी लोगों को अच्छे से मैंने यहाँ पर करवा दिया है। इसमें एक टॉपिक और है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, जिसका नाम था इंटरवल्स। सो ये टॉपिक भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट देखिए, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर लास्ट क्लास में क्या हुआ था, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट मिस कर दिया था। ठीक है, तो उस यूनिवर्सल सेट को आज हम पढ़ने वाले हैं और उसी के साथ मैं आपको बता देता हूं यहां पर कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में, वो भी हम यहां पर करेंगे और वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि क्या होते हैं वेन डायग्राम्स। सो इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सभी लोग एक छोटा सा काम कर देना, सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक क्लास की अपडेट आते रहे। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्लास 10th एंड क्लास 11th दोनों ही क्लासेस में लेता हूँ। सो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। सो क्लास 10th के लिए जो यहाँ पर क्लासेस आती हैं वो 7 PM पर आती हैं इवनिंग, और क्लास 11th के लिए आपको 6 PM पर एक क्लास मिल जाएगी। तो बस आप सभी लोग तैयार रहिए और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को इन लेक्चर्स को शेयर करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे यूनिवर्सल सेट को स्टार्ट। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए एंड वेरी सिंपल। ठीक है, तो देखिए इसको हमें अब हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर कुछ सेट्स एज्यूम कर लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, आपको जो करना है अपने हिसाब से आप लोग करिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सभी लोग, मान लीजिए कंसिडर करते हैं एक सेट, मैंने मान लिया लेट ए इज द सेट, एक सेट मान लेते हैं 2, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। ऑल राइट, ऐसे ही मैं एक और कंसिडर करता हूँ, मैंने कह दिया बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक और कंसीडर कर लेता हूं, यहां पर मैंने कह दिया सी, चलो 4 सेट में यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको यूनिवर्सल सेट बताऊंगा फिर क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने लिख लिया इस तरीके से 1, 3, 5, 7 एंड 9। ऑल राइट, समझ में आया सबको। चलिए एक सेट और ले लेता हूं आप लोगों के लिए, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। देखिए सुनैस, सभी लोग सबसे पहले इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को वैसे तो मैंने सबसेट भी पढ़ा रखा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है सबसेट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी है क्लास, एक बार हमारी जितनी प्रीवियस क्लासेस हैं वो जाके जरूर देख लें। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए एक ऐसा सेट तैयार करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, एक ऐसा सेट आप लोगों को तैयार करना है जिसके पास इन सारे सेट्स के एलिमेंट हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक ऐसा सेट आप लोगों को तैयार करना है जिसके पास इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स हो। तो हम एक सेट तैयार कर लेते हैं भैया। चलो अब ध्यान से देखना, इस यूनिवर्सल सेट, हम पढ़ रहे यूनिवर्सल सेट, तो इसका भी कुछ ना कुछ सिंबल होने वाला है। तो देखते हैं क्या है इसका सिंबल। भाई नाम ही यू से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई यूनिवर्स मतलब भाई सब कुछ, जहां आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, चलिए तो यहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसको देखिए। ठीक है, ए बी सी डी, ये सारी चीजें आपको उस सेट के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, वही होता है आपका क्या, यूनिवर्सल सेट। सो देखिए, मैं ये कैपिटल यू आप लोग जैसे बनाते हैं बनाइए, ये दिस यू यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट तैयार हो रहा है किसी सेट के लिए। ठीक है, किसी सेट के लिए, किसी रिलेटेबल सेट के लिए। चलिए तो यहां देखते हैं हम, ये किसी सेट के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, इन 4 सेट के लिए ये एक सेट तैयार हो रहा है। अब ये किस तरीके से तैयार होगा, ध्यान से देखना, इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए जो इन सारे सेट्स के अंदर है। ठीक है, तो एक कंडीशन है, एक शर्त होती है इसकी भी, कि
ये कहता है कि अगर मुझे, ठीक है, अगर मैं अपने अंदर कुछ एलिमेंट्स रखूंगा तो मैं एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करूंगा। सो भाई ये नहीं चाहेगा कि मैं एलिमेंट्स अपने अंदर रखूं, ठीक है, मतलब सॉरी रिपीट करके रखूं। सो रिपीट करके बिल्कुल नहीं रखेगा, ठीक है, लेकिन ये वो सारे एलिमेंट्स रख देगा जो इन सारे सेट्स के अंदर है। सो आप लोग सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसको अच्छे से, कौन सा कहीं कोई एलिमेंट मिस ना हो जाए। सो देखते हैं यहां पर 2, 3, 4 और 1, 2, 3, यस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं यहां पर ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, चेक करते जाइए, आपको देखिए यस 6 भी है, 5 भी है, सब कुछ है, 5, 6, 7, 8, ऑल राइट, सब कुछ देखिए 9 है, यस 10 भी है, ऑल राइट, यार कहीं पर 11 नहीं है, तो यस प्लीज डोंट राइट 11 हेयर, क्योंकि इन चार सेट्स के हिसाब से यहां पर उसमें क्या है आपका 11 नहीं है, मतलब 11 कंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहां गलती से 11 मत रख देना, 11 नहीं आएगा इसके अंदर, 10 के बाद सीधे 12 आ जाएगा बस। सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या हमने इन चारों सेट के लिए क्या कर दिया, एक यूनिवर्सल सेट तैयार कर दिया जिसके अंदर क्या है आपके सारे एलिमेंट्स जो इन सारे सेट्स के अंदर है। ऑलराइट, तो यही होता है आप लोगों का क्या यूनिवर्सल सेट। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, हमारी जब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने लग जाएंगे, ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 रहेगी। तो अभी हम कुछ करते हैं, इसके बाद आपका वेन डायग्राम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इन होता क्या है, देखिए ये जो सेट्स है ना, इसमें जो यूनिवर्सल सेट है और जो इनके सबसेट्स हैं, ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके सबसेट्स, ये सारे इनके सबसेट्स होगा, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है ये मैं एक बार आप लोगों को और रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसेट क्या हुआ, कुछ नहीं, यहां पर देखिए आप लोग ए को देखिए, ए के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, 3 और 4। अब देखिए इस ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो इस यूनिवर्सल सेट ने अपने पास रख रखे हैं, यस रखे हैं, ठीक है। या आप इसको छोड़िए, अभी यहां देखिए, यस इस ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी ने अपने पास रखे हैं, यहां देखिए 2, 3, 4 है और यहां भी 2, 3, 4 है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी के पास कितने ही एलिमेंट्स क्यों ना हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना कहेंगे कि यस ए ने, ए के पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी ने कंटेन कर रखे हैं, तो हम कहेंगे यस दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो कहां पहुंच गए हम इस सबसेट में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो रिवाइज होना चाहिए, रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का, दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऐसे ए भी इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, देख लीजिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, यस। मेक श्योर कि आप लोगों को एलिमेंट्स को रिपीट बिल्कुल नहीं करना है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यूनिवर्सल सेट अच्छे से आ गया होगा, इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं, और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं तो बहुत अपने मन से आप लोग कंसिडर करिए, जैसे कि मैं आप लोग ले लीजिए द सेट ऑफ ऑल ऑड, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, और एक रख लीजिए द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इनके लिए यूनिवर्सल सेट आपको तैयार करना है तो आप क्या तैयार करेंगे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, बस इतना ही तो है सेट। तो वो जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है वो उन दोनों के लिए, उन दोनों सेट्स के लिए क्या हो गया आपका, एक यूनिवर्सल सेट बन गया, बस यही है यूनिवर्सल सेट और कुछ नहीं है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, इस बात का आपको बस ध्यान देना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वेन डायग्राम की तरफ, चलिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी इसके हम कुछ ऑपरेशंस भी पढ़ने वाले हैं और फिर इसके हम क्वेश्चंस भी अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी क्लास होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स ये वेन डायग्राम क्या है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया है, ठीक है, आप लोगों ने देखा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को किस तरह होता है यूनिवर्सल सेट। चलिए तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर है क्या, यहां पर भाई इसको कैपिटल यू से करना, सबसे पहले ये कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करना, आप लोग जैसा ही बनाते हैं कैपिटल यू, ठीक है। सो देखिए यूनिवर्सल सेट, और आप लोगों ने ये भी देखा कि ये यूनिवर्सल सेट कैसे तैयार हुआ, कुछ सेट से तैयार हुआ, ठीक है, कुछ सेट से मिलकर यूनिवर्सल सेट तैयार हुआ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सेट था आपके पास ए बी, ठीक है, लेट ए एंड बी लिख देता हूं, बी टू सेट्स इस तरह से मैं लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने मान लिया कि ए और बी दो सेट्स हैं, उनसे क्या बना, एक हमने यूनिवर्सल सेट तैयार किया, ठीक है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप डायग्राम, इसका नाम ही है वेन डायग्राम, तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि
एक मैथमेटिशियन होंगे जिनका नाम है जॉन वेन। ठीक है, जॉन वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस वेन डायग्राम को हमें दिया। ठीक है, और ध्यान सुनना, अब डायग्राम है तो भाई इसमें डायग्राम तो बनने वाला ही है, सही बात है। ठीक है, अब कैसे दिया, क्या दिया, आप भी समझते हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम को हम कभी कभी यहाँ पर वेन यूलर्स डायग्राम भी कहते हैं, लेकिन हम उसको नॉर्मली क्या बोलेंगे, यहाँ पर वेन डायग्राम ही बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ। चलिए, साइंटिस्ट का नाम तो ये है जॉन वेन। ऑलराइट, जॉन वेन इज वॉज द साइंटिस्ट। ठीक है, हु गेव क्या आप लोगों को ये वेन डायग्राम दिया। ठीक है, जिन्होंने हमें वेन डायग्राम दिया। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसका नाम कहता हूँ यूलर्स, नहीं वेन यूलर्स डायग्राम भी कह सकते हैं इसको, वेन यूलर्स डायग्राम। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे क्या इसको जब हम क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम, बस ओनली क्या, वेन डायग्राम। मतलब अब हम क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिर्फ। चलिए, अब यहां ध्यान सुनिए, यस इतना आपको पता है, अगर ये वेन डायग्राम तैयार होगा तो उसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट होगा, ऑल राइट, और आपके पास क्या होगा, कुछ सेट्स भी होंगे। ठीक है, कुछ सेट भी होंगे, एक तो यूनिवर्सल सेट होगा और कुछ सेट होंगे। ठीक है, मतलब ध्यान से देखना आप इसको कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि यूनिवर्सल सेट को डायग्राम में किस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए, तो आइए सुरेंद्र, देखिए यूनिवर्सल सेट में हम ध्यान सुनना, ये जो कैपिटल यू है जिसे हम यू बोल रहे हैं, इसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए, मतलब इसने ये पूरा जो भी है, क्या है ये पूरा रेक्टेंगल, क्या दिखा रहा है आपको कि एक यूनिवर्सल सेट है। मतलब इसके अंदर जो भी होंगे आपके पास सेट, जो भी सेट्स होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे इस यूनिवर्सल सेट के। समझ आया सबको। चलिए, तो हमने देखिए इसमें हम यहाँ पर टॉप राइट पे आप लोग क्या करेंगे, कैपिटल यू बनाएंगे, सबसे पहले एक कैपिटल बनाएंगे जिससे आपको पता लग जाए यस कि रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक यूनिवर्सल सेट है। अब भाई इसके अंदर जो भी आएगा ना, वो भाई साहब जो भी होगा वो सबसेट बन जाएगा इस यूनिवर्सल सेट का। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए, अब देखिए क्या, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं आपके पास, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या कहा, देखिए इसके अंदर सेट होंगे। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता इसके अंदर सेट ना हो। तो देखिए इसके अंदर कुछ सेट्स होंगे, तो मैं आप कंसीडर कर लेता हूं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अब मैं आपको तीन ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिस तरीके से सेट को अंदर रखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान सुनना, यहां पर अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, तो ध्यान सुनना उसका एक वेन डायग्राम अगर आपको तैयार करना है। मैंने क्या बोला, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका एक वेन डायग्राम तैयार करिए। ठीक है, अभी देखिए ए और बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ है जो कि क्या है, ये दिख रहा है आपको यू। ठीक है, अब ए और बी की बात हो रही है, इसके अंदर भी इनके सेट्स के बारे में बात हो रही है कि ए क्या है, सबसेट है बी का। इसका मतलब ये है भाई साहब कि बी के अंदर ए आएगा। इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर, बी के हिंदी में लिखता हूं अंदर ए आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए बी के अंदर ए आने वाला है। अब इसके बारे में ध्यान से इसको अच्छे से सुन लेना। ठीक है, तो बी के अंदर ए कैसे लाएंगे, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हमने यू को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, तो हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखेंगे सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व, जिसे हम कहेंगे सर्कल। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। ठीक है, विद इन दिस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी आपके सेट्स हैं उन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैंने बोल दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मान लीजिए यहां पर इस तरीके से उसको बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये है ए आप लोगों का एक सेट है, जो कि एक सेट है इस तरीके से। समझ में आया सभी लोगों को, एक सेट है ए। ठीक है, मैंने क्या बोला, सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, तो एक सेट है आपके पास ए, ये क्या है, सबसेट है बी का। मतलब ये जो ए है भाई, ये किसके अंदर आ रहा है, ये आपका बी के अंदर आ रहा है, तो इसे बी से ढक दीजिए, मतलब इसे बी से आप लोग आराम से ढक लीजिए, तो ये इसका एक डायग्राम तैयार हो गया, यहां पर लिख देंगे बी। ऑलराइट, इससे पता लगता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सभी लोगों को, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर तो ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स है भाई बी के पास, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए के और बी के कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ठीक है, ए और बी के कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ऑलराइट, सारे के सारे ना हो, ए के पास जो एलिमेंट है और जो बी के पास जो भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को जब हम देखें तो उनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ ध्यान सुनिए इस तरीके से, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, 1 2 3 और बी ले लिया मैंने 2 4 एंड 6। अब आप देखेंगे कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा, 2 हैं। तो इसके लिए कैसे हम एक सेट को मतलब एक वेन डायग्राम बनाएंगे, इसके बारे में हमें ध्यान से देख लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो और किस तरीके से बन सकता है, बात ये है, ठीक है, आइए। सो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं कह दूं अगर ए एंड बी के पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, ठीक है, इफ ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, इफ ए एंड बी हैज सम कॉमन एलिमेंट्स, तो तब एक वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई। देखो अभी फिर से वही चीज की ए और बी, ठीक है, सबसेट होंगे किसी यूनिवर्सल सेट के, तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा भाई रेक्टेंगल में, ये दिखा दे मैं रेक्टेंगल में आपको, ठीक है, ध्यान से देखना इन सारी चीजों को, भूलना नहीं है बिल्कुल, रिवाइज कर लीजिए, सॉरी मतलब पढ़ लीजिए, रिविजन फिर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक रेक्टेंगल दिखा दे, यहां पर आपको यू बनाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना कॉमन चीज, ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके ऑपरेशंस भी, बहुत सारी चीजें होती है स्टूडेंट्स, अभी हम ऑपरेशंस भी देखने वाले हैं, इसके बाद हमारा ऑपरेशन ही है, तो देखेंगे ये है हमारा इस तरीके से और दूसरा है ये, तो आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो आप बाहर लिख लीजिए या इनको अंदर लिख लीजिए, मैं ऐसे कर लेता हूं, बाहर से लिख लेता हूं, ठीक है, ए और बी। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में ऐसी कॉमन चीज कौन सी जो आपको दिख रही है, क्या आप उसको शेड कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं, तो शेड करने का क्या है, देखिए ये शेड कर लिया, लो These are the elements which are common in both A and B. और अभी हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब अगर A और B equal ना हो और उनमें कुछ common elements हो, but उनमें कुछ common elements हो, A और B equal ना हो but कुछ common elements हो, तो आप लोगों का एक सेट ऐसे तैयार होने वाला है, सॉरी एक डायग्राम ऐसे तैयार होने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई सेट ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए के पास जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी के पास हो ही ना, मतलब डिसजॉइंट हो इस तरह से, तो डिसजॉइंट सेट भी एक आता है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल आपके पास कह सकते हैं कि ए और बी के पास कॉमन एलिमेंट्स हो ही ना, मतलब बिल्कुल ही कॉमन एलिमेंट, ए के बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स एंड बी के बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उनके लिए सेट कैसे तैयार हो गया भाई, क्या होगा उनको अलग कर दीजिए, एक सेट और तैयार हो गया, कौन सी बड़ी चीज है। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं तीसरे तरीके का कैसा, देखिए ध्यान सुनना, इस तरीके का एक सेट बनेगा जिसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे आपके पास, अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी लोग इसको, इस तरह से बनने वाला, देखिए ध्यान देखिए, एक ए अलग से और बी अलग से, इफ ए एंड बी हैव नो यहाँ पर ए एंड बी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, अगर ए और बी के पास बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हो, नो कॉमन एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए एंड बी, तब हमारे पास एक सेट कैसे तैयार होगा भाई, ये बन गया एक सेट। तो ये तीन चीजें आपको कहीं ना कहीं दिखने वाली है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये तीन चीजें देख लीजिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी मैंने यहाँ पर दो ही आपका सेट का एग्जांपल लिया है, यहाँ पर तो डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेट्स हो सकते हैं, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, तो अभी आपको बस इतना ध्यान देना है, इफ ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, इफ ए एंड बी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पर ए और बी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग यू रख लीजिए, इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इन चीजों को और भी डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान देना है, ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, तो ए एंड बी के पास अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो तो उसका डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, अभी बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं इसको, ठीक है। चलिए तो अब इस क्लास को अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक यहां पर पढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, सबसे पहले आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। चलिए
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना, क्योंकि आगे अब हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो यूनियन ऑफ सेट आपका फर्स्ट टॉप यहाँ पर है, टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। चलिए यूनियन ऑफ सेट्स देखिए, चलिए एक तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब दो सेट के बीच में क्या यूनियन है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, दो सेट के बीच में क्या यूनियन है। चलिए तो देख, हम पहले एक काम करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स मैं कंसीडर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यही कंसीडर करना है, लेट ए एंड बी बी द बी टू सेट्स, ठीक है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना। चलिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अब देखिए, अगर मैं इसको बताऊं समझाऊं आपको, ये एक सेट आपके पास और तैयार होने वाला है, ठीक है, एक सेट आपके पास और तैयार होने वाला है, एक सेट और आने वाला है, ध्यान सुनना वो सेट क्या होगा। देखिए ऐसा सेट, ठीक है, द सेट विच कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ, ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसा सेट जो कि आपका क्या हो, आइदर इन ए और बी और इन बोथ। तो ये आपके जो सेट होते हैं उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। और हम कैसे इसको डिनोट करते हैं इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है, यूनियन, तो इसका सिंबल वही होता है यू, इस तरह से छोटा सा बनाइए ऐसे, ऐसा ये होता है इसका सिंबल। तो ए यूनियन बी, क्या बोला मैंने, ये कैसा होता, देखिए ए यूनियन बी इस तरीके से, ठीक है, यहां पर एक सेट आपका अब तैयार होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या एक सेट का मैं एक काम करता हूं, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए यूनियन बी है सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और आप देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो यूनियन, ध्यान सुनना, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, यहां लिखते हैं रीड एज ए यूनियन बी, ठीक है, ये वही चीज है जो अभी आपने यूनिवर्सल सेट को देखा था। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से समझेंगे इसको, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, आप सभी लोग ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे लिखूं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर मैं लिख दिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यस भाई मैं ये पक्का कहूंगा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इतना आप लोगों को समझ में आया, सभी लोग उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है, ध्यान सुनना। चलिए यहां पर आप बहुत साइड इम्प्लीकेशन कर सकते हैं, यस सही बात है भाई, अगर ये लिखा है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, आप दोनों साइड इम्प्लीकेट कर रहा है आपको। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब डेफिनेटली यही होगा कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और बोथ, ठीक है। अगर ये लिख दिया तो ये भी आप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है डबल साइड इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। सो ए यूनियन बी को हम और किस तरह लिखते हैं, यहाँ ध्यान सुनना, अच्छा यहाँ पर लिखना ए यूनियन बी, इसको अच्छे से छोटा बनाना, ठीक है। चलिए अभी हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे इस तरीके से, आपको जैसा लगे वैसा बनाना, लेकिन ठीक लगे जिससे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यस इतना ध्यान देना आप लोग, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, ठीक है, ए और बी, और जहाँ आया समझ लें वहाँ पर समझ लेना क्या है, यहाँ पर यूनियन है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया पहले फर्स्ट टाइप का आपका क्या, यूनियन ऑफ सेट। अब इसका एक वेन डायग्राम तैयार करना ही पड़ेगा, अभी आ जाओ तैयार करते हैं इसका वेन डायग्राम। चलिए मैंने मान लिया इस ए और बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल यू से, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, ध्यान से आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ए और बी, ए में हो विच आर आइदर इन ए और इन बी और बोथ, ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा भाई, सही बात है, ये ए है और ये बी है। तो देखिए आप जब सब कुछ ऐड कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये हमारा क्या बन रहा है, ये शेड रीजन आपको क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, ये शेड रीजन ये दिखा रहा है दैट एक्स बिलोंग्स टू
ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये जो आपका ए, इसको आप अंदर भी ले सकते हैं ए और बी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें शेडेड पार्ट क्या है, सो ए यूनियन बी जो भी है आपका, ठीक है, ऐसे लिखिए ए यूनियन बी इज द शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन जो भी लिखते हैं आप, ठीक है। चलिए अब देखेंगे एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, एग्जाम्पल है, अगर इसको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए, आइए, तो ए यूनियन बी, अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए आपके पास मान लीजिए 1, 2, 3 है और आपके पास बी है यहाँ पर 2, 3 and 5, आपसे पूछा जाए फाइंड ए यूनियन बी। सो फाइंड ए यूनियन बी, ध्यान से देखना, हाँ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसके अंदर देखिए आपके एक सेट तैयार होगा, ठीक है, एक सेट आप लोग तैयार करने वाले हैं। अब ध्यान सुनना, इसके अंदर ये वही चीज है बेटा, ध्यान सुनना, इस ए और बी के लिए, देखिए ध्यान सुनना, इस ए और बी के लिए एक यूनियन तैयार हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यूनियन तैयार हो रहा है इस ए और बी के लिए, जिसका नाम जो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे दिखाएंगे इनको, कि ये क्या है 1, 2, ठीक है, 3 and 5, ये वही चीज़ है जो यूनिवर्सल आपका सेट था, ठीक है। ये पार्ट, ये सिर्फ दो इन सेट के लिए आपको मिल गया, यहाँ से इन दो सेट के लिए एक यूनियन मैंने बना दिया। इस ये ऐसे देखिए विचार आया था, ए यूनियन बी के अंदर, देखिए ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए, ए यूनियन बी का मतलब देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यहाँ ध्यान देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, ये 1, 2, 3 आप देखिए ए को बिलोंग कर रहा, ठीक है, या फिर बी को भी कर रहा, देखिए 2, 3, 5, 2, 3, 5, या फिर दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, ए यूनियन बी दोनों में भी हो सकता है, ठीक है, इसका आप ध्यान देना। तो ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए, ए यूनियन बी का मतलब देखिए 1, 2 द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर, ठीक है, विच आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ, आप लोग देख सकते हैं ए यूनियन बी के अंदर 1, 2, 3 भी दिख रहा है, ठीक है, 2, 3, 5 भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, समझ में आया सबको, और देखिए दोनों के ही दिख रहे हैं आपको बोथ, तो ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट हो चुका है, अब हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छा है, जो आपका सेकंड नंबर का यहाँ पर ऑपरेशन है उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलिए, सो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड नंबर का ऑपरेशन है उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये अभी भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो देखिए हम करते हैं, लेट, हमेशा लिखेंगे लेट ए एंड बी बी द बी टू सेट्स, बी टू सेट्स, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह के सेट है, इंटरसेक्शन मतलब भाई ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन होंगे ए और बी के अंदर, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखना, इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, क्या होता है, डिनोटेड बाय ए, जैसे हमने बनाया था ना यू करना, अब उल्टा यू बना दीजिए, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, जो रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ध्यान देखना, एक वेन डायग्राम के अंदर आप लोग सबसे पहले बनाएंगे, सो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, इसका भी ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। चलिए, यहां ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, ठीक है, देखिए, चलिए, सो देखते हैं आप इसको कैसे करेंगे, पहले इसको अच्छे से बना लीजिए, यहां देखना आप दो सेट लीजिए, मैंने दो ले रखे हैं, तो आप भी दो लीजिए, ये मान लेते चलो, अब मैं अंदर लिख लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए और बी का जो कॉमन भाग है, कॉमन हिस्सा है, वही क्या आपका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ए एंड बी का जो कॉमन वाला पार्ट है वही आपका क्या है, इंटरसेक्शन वाला है। सो विच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज अ कॉमन इन बोथ ए एंड बी। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। तो दिस इज द ए यूनियन बी, तो यहाँ पर लिख लूँ या फिर बाहर लिख लूँ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये क्या आपका
ए यूनियन बी है, क्या है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी इज दिस पार्ट, दिस शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेड रीजन जो भी, चलो आपको बताने जरूरत तो है नहीं, आप पता लग गया कि ये है शेड रीजन, ये जो शेड रीजन दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब मैं आपसे कहूं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ठीक है, अगर आपके लिए इस, आप जरा इसका मुझे अब क्या दिखाएंगे, यहां पर एक सेट अगर बनाना चाहें, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहें, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सिंपल सी बात है भाई, लो ए और बी को बिलोंग करे, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, ये एंड से मतलब समझ जाना, ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी चीज है, अगर एंड लिखा है तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और लिखा है तो यूनियन की बात हो रही है, ठीक है, इन सारी चीजों को आपको नोट करना है। तो यस बताइए ये सही नहीं है, चलिए बिल्कुल करेक्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं, देखिए आपको साफ लग रहा है यहां पर कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बोथ साइड इंप्लीकेशन करके ये सारी चीजें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्स बिलोंग करेगा ए को भी एंड एक्स बिलोंग करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, x belongs to a and x belongs to b, this and means intersection, common part, ठीक है, इसका आप ध्यान देना, बस और कुछ नहीं। चलिए, so I hope my dear students कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नई चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अगला, ठीक है, तो difference of sets पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, क्या difference of sets, आइए। तो स्टूडेंट देखिए अभी पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट, तो पहले इसका एग्जांपल मैं देना भूल गया था, अभी देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। फॉर सपोज मैंने कह दिया 2, 3, या आपने पढ़ लिया अच्छे से 2, 3, 5, 7, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया, दूसरा सेट ले लिया बी इज इक्वल टू इस तरीके से, इसको हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं अभी, बी इज इक्वल टू मैंने कह दिया 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, ठीक है। नाउ व्हाट आर कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी, सो ए एंड बी में कॉमन जो चीज है ये होती है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग कौन है बेटा 2, 3, 5, 7, यहाँ कौन है 1, 3, 5, 7, सो आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में बेटा 3, ठीक है 5 एंड 7, सो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन 3, 5 एंड 7, ठीक है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, वो और का मतलब क्या था, या इसका मतलब है और, एंड हिंदी वाला और, ठीक है, और जो और लिखा था वहां पर उसका मतलब था या एक्स बिलोंग्स टू, मतलब जो हमने यूनियन में लिखा था कि एक्स बिलोंग्स टू, या तो एक्स ए को बिलोंग करे या बी को करे या फिर दोनों को ही करे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं जिसका नाम है हमारा अच्छा अभी डिसजॉइंट सेट्स भी हो सकते हैं आप लोगों के, उसका एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको, यही पर लिख देता हूं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स देख लीजिए आप लोग, डिसजॉइंट मतलब ऐसे सॉलिड जिनका कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, ठीक है, विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो हम यहां लिख सकते हैं इसको ठाड़ वाला लिखते हैं, चलिए छोटा सा ही है हमारे पास, मतलब जिनके पास कोई कॉमन एलिमेंट्स ही ना हो, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट, ऐसे दो सेट जिसके पास बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसका तो मैं कुछ नहीं आपको सिंपल सा, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, अच्छा ये कैसे होगा ध्यान सुनना, हाँ डिसजॉइंट सेट मतलब भाई ये तो बात हुई कि ए इंटरसेक्शन बी, आपको क्या मिलेगा, एनी आइडिया, सी व्हाट इज, व्हाट इज क्या, ध्यान सुना, एनी आइडिया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा आपको, नो आइडिया ना, देखिए क्या होता है अगर कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं है उसमें, कोई कॉमन चीज ही नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा, मतलब नो एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट आपको मिलेगा, नल सेट मिलेगा, वॉइड सेट आपको मिलेगा, समझ में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब फाई, नो एलिमेंट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मतलब यही होता है। तो इसका अगर डायग्राम आपको दिखाना हो स्टूडेंट्स, सो आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, कौन सी बड़ी चीज है बताइए, ये हो गया और आपके पास ये हो गया, एक यू हो गया इस तरीके से, और ये हो गया ए एंड बी, ए एंड बी के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, ठीक है, इतना आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ सेट्स हम पढ़ने वाले हैं, तो आइए उसकी तरफ हम पढ़ते हैं।
सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपना डिफरेंस ऑफ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चंस बनने वाले हैं जितने मैंने यहाँ पर आपको ऑपरेशंस करवा दिए हैं। तो इसमें हमारा फोर्थ नंबर आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगेन मैं एक काम करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अब देखिए डिफरेंस, अगर मैं बोलूं डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस निकालते हैं। मतलब अभी मैं एक काम करता हूं, तो दो तरीके से हो सकता है यहां पर डिफरेंस। एक तो ए माइनस बी लिख सकता हूं और बी माइनस ए भी कर सकता हूं। सो जब मैं ए माइनस बी करूंगा, स्टूडेंट्स को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान सुनना है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें क्या हो, बी ना हो, लेकिन ठीक है। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के एलिमेंट्स ना हो ए के पास, मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, वही क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी होता है। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसको मैं लिखना चाहूँ सेट के फॉर्म में, यस, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या बोला मैंने, देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, और आप क्या लिखेंगे इसके साथ साथ, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यही तो बस का मतलब, क्लियर है भाई, ये सब क्लियर होगा आप लोगों को। और अगर मैं बी माइनस ए लूँ सिमिलरली ऐसे, तो एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैंने आप पढ़ा दी, ठीक है। चलिए, सो ये सब क्लियर होगा आप लोगों को, ये a माइनस बी और ये b माइनस ए आप लोगों का हो गया है। अब इसमें और कुछ नहीं है, अब एक टॉपिक और बचा आप लोगों का, वो ये है यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी हम कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम सिमेट्रिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, आइए। तो इसको पहले रख करता हूँ, इस वाले के डायग्राम बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनेगा देखते हैं, ठीक है। ये वायर आपकी प्रॉब्लम कर रही है बार बार, ओके, क्लियर है सबको। चलिए, तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में अगर मैं ए माइनस बी लिखूं, चलिए, तो यहां से तो आपको क्लियरली ये भी पता लगता है, अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी लिखूं, सो क्लियरली इससे लिख सकते, क्लियरली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो यहां से अगर मैं इंप्लीकेशन करूँ, इसका मतलब यही है कि दोनों साइड से पता लगेगा कि एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड does not belongs to B, ठीक है। चलिए, सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना आप लोगों का, यस, इसका डायग्राम बनाते हैं, आइए वेन डायग्राम दिखाते हैं आप लोगों को। वेन डायग्राम तो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कैसे बनेगा, इसको भी आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज तो है नहीं, ये ए और ये आपका बी, अच्छे से बना लीजिए इसको। ये हो गया आप लोगों का ए और ये हो गया आप लोगों का बी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ए के पास, देखिए ए, ध्यान से देखना, अभी आपको एक चीज बताता हूं, सेट ए कहां पर है, ठीक है, आप लोग बताइए मुझे कि सेट ए कौन कौन सा वाला सेट है। भाई ये तो है सेट ए पूरा, ये पूरा सेट ए है आपका, ठीक है, इस सर्कल के अंदर जो भी है वो पूरा सेट है। अभी छोड़िए कि इसमें बी आ रहा है नहीं आ रहा, इसको छोड़िए, लेकिन हमें तो ये पता है ना भाई, ये पूरा क्या है आपका, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और इतना पूरा सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही होगा जब ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, इस सेट में से ए वाला बी वाला भाग निकाल दीजिए, ठीक है, इस सेट ए में से जो बी वाला पार्ट है, बी कौन सा बेटा, ये वाला, ठीक है, ये सारे पार्ट को हटा दीजिए, तो उसमें तो अभी ये वाला पार्ट आ रहा ना, कौन सा, ये वाला, तो आपको ये वाला पार्ट हटा देना है, ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोग हटा दीजिए, तो आपके पास क्या निकल के आया स्टूडेंट, ध्यान से देखना, आप कहेंगे मेरे पास आ गया भाई, जो शेड वाला पार्ट दिख रहा है वही क्या है आप लोगों का, ए माइनस का बी है, समझ में आया सभी लोगों को। अब ऐसे ही आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग बी माइनस ए के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये हो गया ए माइनस बी का, और अगर बी माइनस ए का दिखाऊँ तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ये हो गया पहला सेट, ये हो गया दूसरा सेट,
और इनको अभी हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे कहाँ पर, जब हम इसके इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं उन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तब हम बहुत अच्छे से इन डायग्राम्स को समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सेट बी, अब ए आ रहा नहीं आ रहा अभी छोड़िए इसको मत देखिए, लेकिन बी तो है ना इसमें, तो अब ए वाले हटा दीजिए, तो ये हो गया ए वाले, मतलब ये ए में जो आ रहा है इसको हटा दिया आपने। ठीक है, तो ये दिस सेट पार्ट रिप्रेजेंट दैट दिस इज, ठीक है ये आपका क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ये क्या आप लोगों का b माइनस का a। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए सो स्टूडेंट्स आप इसको यहां पर u लिख लेना और यहां पर भी u लिख लेना, ठीक है, और ये ए और बी हो गए, इनको बाहर लिख लीजिए अंदर लिख लीजिए आपकी मर्जी, यहाँ पर ए और बी लिख लेना आप लोग। ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तब कुछ ना कुछ अलग करना है, इसका आप ध्यान देना। ठीक है, जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे, सो ये ए और बी, ठीक है, दो सेट हैं जिसका हमें ए माइनस बी भाग ये है और बी माइनस ए पार्ट आपका ये वाला जो शेड वाला पार्ट है। चलिए अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, आइए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, इसको रख करते हैं फिर आपको बताते हैं, उसके बाद हमारा जो भी लास्ट टॉपिक है क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बचा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सो आइए स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये बहुत अच्छा है, अगर मैं इसको सिंपल मैं समझाऊं, सिंपली आपको समझाऊं तो आप लोग इजीली इसे कैच कर लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब वो एलिमेंट लेने हैं, अब आपको देखिए बहुत कुछ बहुत आपने देख लिया, अब आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं, आपने काफी कुछ सीख लिया ना सेट से, ऑपरेशन ऑन सेट से, अब आपको एक इस तरह का सेट लेना है कि जिसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना हो, मतलब विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट ना हो। ठीक है, सो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं उसका डायग्राम भी कहूं तो आप लोग बहुत ही जल्दी बना देंगे। चलिए बनाते रहिए आप लोग, अब देखते हैं यहां पर एक्चुअल में करना क्या। ठीक है, बात ये है, मैं बात किसकी कह रहा हूं इनडायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा बात मैं क्या कह रहा हूं। देखते हैं, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, टू सेट्स। अब ध्यान से देखना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को क्या बोलूंगा, इसका ध्यान देना, इसको मैं एक छोटे से ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूं जिसे आप डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में ये साइन आ गया, कैसा छोटा सा आएगा। ठीक है, ध्यान देना इस तरीके से, ए डेल्टा बी, ये क्या बताता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में, आपको निकालना क्या है। अभी आपके पास दो सेट दे दिए जाए और मैंने बोला उनका सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे मैं बताऊं, सबसे पहले आप लोग करना, अच्छा ए माइनस बी, ओ सॉरी मैं अभी आपको ए माइनस बी का एग्जांपल देना भूल गया। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं है, चलो जो इससे पहले हमने जो अभी किया है ना उसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था हमारे पास से पहले, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट से, तो जैसे ए माइनस बी का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर इस तरीके से, और बी इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से, अगर आपको a माइनस बी करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी का मतलब आपको b के एलिमेंट हटाने हैं a में से, a में से, a माइनस बी का मतलब a में से आपको b के एलिमेंट्स हटाने हैं। ठीक है, तो a में से b के एलिमेंट मतलब थ्री और फोर हैं b के एलिमेंट्स, तो a में से हटा दीजिए, वो कौन बन जाएगा आपका a माइनस बी बन जाएगा, और अगर आपको b माइनस a करना है स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, b माइनस ए में आप लोग देखेंगे तो 3, 4, 5 कौन कौन से हटाने हैं आपको, 3 और 4 हटाने पड़ेंगे। ठीक है, b में से 3 और 4 हटाने पड़ेंगे क्योंकि a के एलिमेंट हैं b के पास कौन, 3 और 4 जो कि आपको हटाने पड़ेंगे, तो कौन आ गया बेटा 5 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा a माइनस बी एंड b माइनस ए। अब यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान से इन दोनों का आपको यूनियन निकालना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का यूनियन मतलब 1, 2 और 5 सिंपल सी बात है।
कितना अच्छी बात है ना। सो अगर इनडायरेक्टली बात करें स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा आपको करना क्या है, आपको ए इंटरसेक्शन बी पार्ट वाला हटा देना है। उसके बाद जो भी आपका सेट तैयार होगा वो क्या कहलाया जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंट, मतलब ए डेल्टा बी। सो ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, बस यही तो है स्टूडेंट। अब देख लीजिए आप लोग, ये बहुत क्लियर होगा आप लोगों को इतना ना बोलकर। अब मतलब देखिए, अगर मैं चलिए इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको समझा दूं, ये तो a माइनस बी हो गया, कितना आ गया 1.2, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। तो इन दोनों का अगर यूनियन निकालना है आपको तो आप क्या लिखेंगे, मतलब आपको a डेल्टा b करना, तो आप क्या करेंगे 1, 2 एंड 5। अब इतना ना कह के, इतना ना बोल के आपने डायरेक्ट बोल दिया भाई x वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो कॉमन है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स बाहर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स जब बाहर करते हैं फिर हम यूनियन करते हैं, देखते हैं, हाँ ध्यान से देखना। तो कॉमन एलिमेंट्स बाहर कर दीजिए तो 3 और 4 जब मैंने बाहर कर दिए तो क्या बचे बेटा, दोनों सेट के अंदर क्या एलिमेंट बचे, 1, 2 और 5। तो यही तो हुआ इसका मतलब, ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ए डेल्टा बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इस तरह से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तो ए डेल्ट बी इसका मतलब यही होता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x, ध्यान सुनना, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंपली आप लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट हटा दीजिए और आपको मिल जाएगा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये है हमारे कुछ सेट्स, आपके यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए आई थिंक। अब एक लास्ट टॉपिक बचा आप लोगों का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इनसे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, बस आप लोग तैयार रहिए। सॉरी एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ऑलराइट, चलिए। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये 11th क्लास है, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। अगर यहाँ टाइम लग रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, आपको बस छोटी से छोटी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपका सिंगल भी यहाँ पर टॉपिक मिस हो गया ना, फिर बहुत कन्फ्यूज़न आ जाएगा, इतना मेरी बात आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आपको पहले उतना ही पढ़ना है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट, ओके, अच्छा, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इतना सारे मैंने मिटा दिया अब, ये कोई बात नहीं, अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो हम तो बार बार भूल जा रहे हैं ना, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए वेन डायग्राम, यस। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये यू हो गया, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी, अब इनके बीच का क्या रिलेशन है, तो यही बता रिलेशन ही कहलाते हैं, ये जो रिलेशन है ना ऑपरेशन के अंदर आपको रिलेशन मिलेंगे, इन दोनों सेट्स का रिलेशन क्या है, क्या इनका रिश्ता है, भाई रिश्ता ये है, इस सिमेट्रिक डिफरेंस के हिसाब से रिश्ता यही है, ये कह रहा है कि ये वाला भाग इन दोनों में से सिर्फ ये वाला भाग हटा दीजिए, कौन सा, ये वाला पार्ट हटा दीजिए बस, बाकी जो सारा बच गया वो क्या है बेटा, जो सारा बच गया वो है आपका a माइनस बी, ये क्या आपका a माइनस बी, और ये है आपका b माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के हिसाब से जो भी आपका यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है वो ये है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। चलिए, और मैंने आपको एग्जांपल अभी समझा दिया अच्छे से, ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप इसको, या तो ए क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, ए डेल्टा बी, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, आप कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक अपना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझेंगे, ठीक है, आइए। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको देखते हैं क्या है। देखिए, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑलराइट, इन सारे चीज़ों को जो जितना भी मैंने आपको लिखा है सबको नोट कर लेना है, ठीक है, सभी लोग नोट जरूर करना अपनी कॉपी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, चलिए U बी द यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट है U। अब ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सेट एक U एक यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट है A,
ठीक है। अब ध्यान सुनना, कुछ चीज मैं आपको लिखी हुई दे दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। सो एक ऐसा सेट है जो कि क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। एक सेट ऐसा है जो कि क्या है, सबसेट है। एक सेट ए है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो लिखा ही नहीं, ठीक है। ए विद रिस्पेक्ट टू यू, यू के रिस्पेक्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, इसका आपको ध्यान देना विद रिस्पेक्ट टू यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम यहाँ पर, उसको हम कैसे लिखते हैं, लिख सकता हूँ पहले मैं रिटर्न एस, ऐसा लिखा जाएगा। पहले देख लीजिए किसको, ये या तो ऐसा दिखेगा और आपको ये, या फिर आपको यू माइनस का ए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है, विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जिसमें ए के एलिमेंट ना हो, ठीक है, जिसमें ए के एलिमेंट ना हो। मतलब ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम्पल दूं आपको इस तरीके से, ए इज इक्वल टू, सॉरी, एक यूनिवर्सल सेट है यू जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 एक एलिमेंट है, और एक सेट है ए जिसके अंदर 2 और 3 है। सो आपसे अगर ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए स्टूडेंट, सो आप क्या निकालेंगे, यू, सारे एलिमेंट लिखेंगे यू के, बट उसमें ए के नहीं होने चाहिए, सो 1 और 4 इज द ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जिसमें ए ना हो, ठीक है, विच आर नॉट इन ए। समझ आया सभी लोगों को। चलिए अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, इसका अगर हम यूलर डायग्राम मतलब वेन डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनाया जाएगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए एक बनाना है यू, एक कॉम्प्लीमेंट, एक बनाना ए, ये ए एक सेट है, ठीक है। अब ध्यान से, यू मतलब बेटा यूनिवर्सल सेट, मतलब सबका सब, क्योंकि ए सबसेट है यू का, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हो यू के पास हैं, देख लीजिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हो यू के पास हैं, सो ए इज द सबसेट ऑफ यू, ये तो आपको पता है अच्छे से, ठीक है। चलिए, और यहाँ भी आपको दिख रहा है वो। अब आपको क्या करना है, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए वाले जो ए ने होल्ड कर रखे, बेटा ए ने, ए के पास ये है सेट ए का जो कर, मतलब सेट ए का जो रीजन है वो पूरा ये है। अब पूरे इस यू में से जब आप ये वाला देखिए, इस पूरे में से, ठीक है, ध्यान सुनना, अब जब इस पूरे में से आप सभी लोग यहाँ पर से ये ए वाला भाग हटा देंगे, ठीक है, दिखना चाहिए कौन सा भाग आपने हटाया, ए वाला पार्ट हटाया, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, जो क्या था, ए था, तो आपको बाहर जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या है बेटा, ए डैश ही है, ठीक है। ये क्या आप मिला, आपको ए डैश मिला, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मिला। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर होगा, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ऑल राइट, बस इतना ही है हमारा, जितना भी शेडेड पार्ट है हमारा क्या है बेटा, ये सब क्या हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, ये अच्छे से बना लेना आप लोग, ठीक है, ये वाला। चलिए स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा जितना मैंने आज कराया है, और सभी लोग शेयर भी कर देना इस क्लास को अपने अपने दोस्तों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। सो वेन डायग्राम के ऑपरेशंस हो चुके हैं, अब इनसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हमारे अभी इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है जो हमारी, उसके हम करने वाले हैं। तो बस इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं, ये क्लास 11th आपको जब भी आएगी आपके पास आपको 6 PM पर मिल जाएगी, बस आप सभी लोग तैयार रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिन्हें अगर यहाँ पर जितना पढ़ाया गया समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे कि आप तक अपडेट पहुँचते रहे। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।